प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मध्य प्रदेश में भोपाल के रानी कमलापति रेलवे स्टेशन से 5 वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेनों को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इसमें से गोवा, बिहार और झारखंड को पहली वंदे भारत ट्रेन मिली। प्रधानमंत्री ने वंदे भारत ट्रेन पर सफर कर रहे बच्चों से भी संवाद किया और बच्चों ने भी उनसे खुलकर बातचीत की। निर्भरता के मार्ग पर तेजी से आगे बढ़ रहे देश की रफ्तार को दिखाती तस्वीर है। प्रधानमंत्री मोदी ने मंगलवार को देश को 5 नई वंदे भारत ट्रेनों का तोहफा दिया। भोपाल के रानी कमलापति रेलवे स्टेशन से पीएम ने रांची पटना, धारवाड़ केएसआर बेंगलुरु और गोवा मडगांव मुंबई वंदे भारत ट्रेनों को वर्चुअल माध्यम से हरी झंडी दिखाई। साथ ही मध्य प्रदेश की 2 वंदे भारत ट्रेनों भोपाल इंदौर और भोपाल जबलपुर को भी हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इनसे संबंधित राज्यों में कनेक्टिविटी मजबूत होगी। आधुनिक वंदे भारत ट्रेन की कनेक्टिविटी के लिए बहुत बहुत बधाई देता हूँ। पीएम मोदी ने वंदे भारत ट्रेन में सवार स्कूली बच्चों से भी मुलाकात की। बच्चों ने पीएम मोदी के सामने अपनी रचनाएं प्रस्तुत की। पीएम ने उनसे बातचीत करके उन सभी का उत्साह वर्धन किया। वंदे भारत ट्रेन कैसी लगी? देख रही है? यस सर। क्या अच्छा लगा? सर बहुत अच्छी है। फील होता है, बिल्कुल वैसा फील होता है यहाँ पे। आपको क्या लगा? मुझे इसके इंटीरियर जो डिजाइन है और जिसकी सीट है और जो इसकी फैसिलिटी है वो अच्छी लगी। सबसे बड़ी चीज कौन सी? सबसे अच्छी दिव्यांग के लिए अच्छी फैसिलिटी। क्या अच्छा और क्या अच्छा लगा? सर मुझे इसके जो ऑटोमेटिक डोर्स है वो सबसे अच्छा। अच्छा डोर अच्छा लगे। अच्छा आपका इस बात पे ध्यान गया कि मेड इन इंडिया है, इसका गर्व हो रहा है। स्वच्छ साफ सुथरी सुविधा जैसे प्लेन, भारत की आधुनिक यह वंदे भारत ट्रेन गौरवशाली सुखरंजन है। ये हमारी ट्रेन भारत सरकार की देन, हमारी वंदे भारत ट्रेन। प्रधानमंत्री मोदी को बच्चों ने बहुत सी कविताएं सुनाई। एक छात्र ने पीएम को स्वच्छता पर एक संस्कृत रचना सुनाई। दुर्वह मैत्री जीवितं जातं प्रकृति रे विसरे सुचि परे आवरणम सुचि परे आवरणम वायुमंडल में भीषण दूषितम नहीं निर्मल में जलम सुचि परे आवरणम। पीएम मोदी ने बच्चों से पर्यावरण संरक्षण और योग जैसे विषयों पर भी बातचीत की। बच्चों ने योग को लेकर अपना उत्साह जाहिर किया। अभी योगा दिवस गया, कब गया? तो आप लोगों ने योगा किया? यस सर। सब लोग? यस सर। टीचर ने बोला इसलिए किया कि ऐसे नहीं सर। आप लोग घर में भी करते हैं? यस सर। तो योग करें, हम योग करें, रोग हमारे दूर करें, मिला जो वरदान हमें उसका हम उपयोग करें। कहें संजीवनी बूटी जिसने दिए हमें ये प्राण, ये ऐसा योग है जिससे होगा जन का कल्याण। शाबाश। ये कौन सा आसन है? ये वृक्षासन। वृक्षासन, इससे क्या फायदा होता है? सर इससे सबसे पहले तो जो धरती की एनर्जी है वो हमें प्राप्त होती है, ये हमारे हाइट के लिए भी एडवांटेजेस है। करीब 70 साल के बाद स्वाभाविक रूप से बैलेंस जो ये रेगुलर आसन करता है उसको कभी जीवन में ये समस्या नहीं है। आप में से मिलेट्स खाने वाले कौन से? रेगुलर सर अंकुरित जो होते हैं घर वाले रोज से वो खाते हैं। आपने बनाया? यस। कितना समय लगा है इसमें? एक दिन। अच्छा आप लोगों ने कभी ये सोचा कि एक हफ्ते तक जेब में एक भी पैसा लिए बिना बिल्कुल खाली एक भी पैसा जीतन ले और यूपीआई से ट्रैवल करना और कहीं से भी पेमेंट देना तो यूपीआई से देना। डिजिटल इंडिया की वजह से घर पाओगे? जो एक पूरा सप्ताह कुछ भी नहीं खरीदेगा कैश से और वो मुझे फिर बताएगा चिट्ठी लिख करके। यस सर।
5 नई वंदे भारत ट्रेनों की सौगात के बाद अब देश में 23 वंदे भारत ट्रेनें दौड़ने लगी हैं। तेज और आरामदेह सफर की सुविधा उपलब्ध कराने की दिशा में ये बड़ी पहल है। एक ही दिन में 5 वंदे भारत ट्रेनों को एक साथ शुरू करना दिखाता है कि देश मेक इन इंडिया के विजन को बेमिसाल रफ्तार से हकीकत में बदल रहा है। अभिषेक सिंह के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, DD News।